गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू ई वी एस ऑनलाइन क्लास लेट्स कंटिन्यू आर चैप्टर थ्री कुकिंग एंड ईटिंग फूड चिल्ड्रन टिल नाउ वी हैव लर्न दैट वी वी गेट एनर्जी बाई ईटिंग फूड ओके फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है एंड फूड कैन भी इटन इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रॉ और कुूड वॉट इज़ कुकिंग it is the process of making food to eat and it is beneficial also because it makes food soft and easy to chew it also make food tasty and we also learned about different heating sources and fuels to cook food but today we will learn about the vessels which are used for cooking and some of the methods of cooking also सो प्लीज ओपन पेज नंबर एटीन एंड स्टार्ट स्टडिंग इट वेसल्स यूज फॉर कुकिंग कुकिंग वेसल्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच वी यूज इन आवर किचन फॉर मेकिंग और ईटिंग फूड वेसल्स जो किचन में यूज होते हैं ना बेटे उनको बोलते हैं यूटेंसल्स यानी बर्तन ठीक है तो कुकिंग वेसल्स यानी कुकिंग के लिए जो बर्तन यूज होते हैं वो वो होते हैं जिनको हम किचन में या तो खाना पकाने के लिए या फिर खाने के लिए यूज़ करते हैं द शेप्स ऑफ वेसल्स आर डिफरेंट और हर वेसल डिफरेंट शेप का होता है वेसल्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स लाइक कॉपर स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा यस जो वेसल्स होते हैं बर्तन वो अलग अलग मेटल से बनते हैं कुछ कॉपर के होते हैं तो कोई स्टेनलेस स्टील का कोई कांच का होता है तो कोई लकड़ी का वुडन भी होते हैं राइट एलूमियम के वेसल्स भी देखे होंगे आपने तो आयरन के भी देखे होंगे आप और मिट्टी के भी देखे होंगे राइट आपके घर में होंगे अलग अलग तरह के बर्तन सम वेसल्स आर मेड ऑफ सेरेमिक पोर्सलिन एंड पायरेक्स ग्लास बेटे सेरेमिक एंड पोर्सेन जो है ना वो चीनी मिट्टी ही होती है एक तरह के छीके और पायरेक्स ग्लास मतलब वो कांच जिसको आप गैस पर रख भी सकते हैं पकाने के लिए कुछ या माइक्रोवेव में अवन में बेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये वो ग्लास नहीं है जो आपके घरों के खिड़कियों में शीशे लगे हैं उस तरह का नहीं ये डिफरेंट होता है पायरेक्स ग्लास इसको गर्म किया जा सकता है ठीक है यहाँ देखिए सम देर आर सम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स दिस इज़ फ्राइंग पैन दिस इज़ मॉटर एंड पैसल मॉटर एंड पैसल आपको देख के ही पता चल रहा होगा जो दोरी डंडा या ओखली मुसल बोलते हैं ना आप लोग वो है प्रेशर कुकर कुकर आप सबके घर में ज़रूर होगा पॉट कोई भी पॉट हो सकता है हांडी टाइप या कुछ भी रोलिंग पिन बेलन को बोलते हैं और मिक्सिंग बोल्स इसको बोल्स प्रोनाउंस करना है बाउल्स नहीं ओके दीज आर बोल्स मिक्सिंग बोल्स नेक्स्ट स्कीमर स्कीमर बोलते हैं पोनी को आपके घर में पूड़ियाँ तलते हैं पकौड़े तलते हैं उसके लिए छलनी का यूज़ करते हैं ना तो ये वो स्कीमर वही होता है सर्विंग स्पून यानी कड़छी और सीव यानी छलनी जिससे आप चाय या दूध पुनते हैं ठीक है ये सब तरह तरह के बर्तन हम अपने घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं राइट नाउ कम टू मैथड्स ऑफ कुकिंग फूड अब बात करते हैं मैथड्स ऑफ कुकिंग फूड किस किस तरह से हम खाना पका सकते हैं वी कैन कुक फूड इन डिफरेंट वेज ये तो आप सबको ही पता है वी कैन बॉयल द फूड वी कैन फ्राई वी कैन स्टीम इट वी कैन ग्रिल इट रोस्ट इट बेक इट अलग अलग तरह से हम खाने को खा सकते हैं ना तो इनके बारे में हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे राइट फर्स्ट वन इज बॉयलिंग बॉयलिंग इन्वॉल्वस कुकिंग फूड इन हॉट बॉयलिंग वाटर बॉइलिंग मीन्स उबालना ठीक है उबालना क्या होता है इसमें खाने को पकाया जाता है कैसे उबलते गर्म पानी में डालकर इट इज़ यूजअली डन इन अ फ्लैट बॉटम्ड पैन और जनरली इसको हम फ्लैट बॉटम वाला पैन यानी पतीली में करते हैं एग्स राइस पल्सिस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुकड बाई बॉइलिंग बॉयल्ड एग्स आप खाते होंगे बॉयल्ड राइस खाते होंगे दालों को भी हम जनरली कुकर में कुकर का भी फ्लैट बॉटम होता है ना सीधा बिल्कुल उसमें हम बॉयल कर लेते हैं और फिर अलग से तड़का लगा कर खा लेते हैं बच्चे जनरली बिना तड़के की दाल पसंद करते हैं राइट तो वो बॉयल हो गई दालें कुछ सब्जियां भी हम बॉयल करके बनाते हैं जैसे आलू बॉयल करके आप क्या करते हो फिर आलू के परांठे खाते हो तो कई बार जीरा आलू भी बना कर खाते हैं ओके तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ को खाने को बॉयल करके खाते हैं और सबसे पहले बॉइलिंग से मुझे पता है आप लोगों को क्या याद आया होगा मैगी है ना मैगी भी तो बॉइल्ड वाटर में बना कर खाते हैं आप राइट नेक्स्ट इज फ्राइंग फ्राइंग मीन्स तलना कुकिंग इन हॉट ऑयल मीन्स फ्राइंग गरम तेल में बन खाना पकाने को हम कहते हैं फ्राइंग इट कैन बी डन इन टू वेज दो तरह से फ्राइंग की जाती है एक होती है शेलो फ्राइंग एंड दूसरी सेकेंड वन इज डीप फ्राइंग ओके शेलो फ्राइंग के इन दिस मैथड वी कुक फूड इन अ शेलो पैन यूजिंग वेरी लिटल ऑयल फॉर एग्जाम्पल पराठास बहुत ही कम गहरे पैन में हम लोग जो फ्राई करते हैं अब आप शेलो फ्राई टिक्कीज भी खाते होंगे पराठास खाते हैं और बिल्कुल कम तेल में और क्या पूड़े बेसन के पूड़े खाते होंगे सूजी के पूड़े खाते होंगे ये सब शेलो फ्राई किए जाते हैं डीप फ्राइंग मीन्स गहरे तेल में तलना ठीक है पकौड़ा कटलेट्स पूड़ी समोसा एंड फ्रेंच फ्राइज आर फ्राइड बाई कम्प्लीटली डिपिंग दम इन वेरी हॉट ऑयल मतलब पूरी तरह से तेल में डिप कर देना डुबो देना और फिर उसके बाद उसका तल कर बाहर आना और कौन सी चीज़ें इनके अलावा आप लोग तल कर खाते हैं चिप्स तल कर खाते हैं टिक्कीस को कई लोग तल लेते हैं चलो फ्राई की जगह डीप फ्राई कर लेते हैं राइट मम्मा बनाती है ना बहुत कुछ आपके लिए आजकल तो बिल्कुल बाजार का खाना बंद है तो यहीं घर में ही चल रहा होगा समोसे डीप फ्राई करवाए चलो नेक्स्ट देखिए स्टीमिंग स्टीमिंग में मतलब स्टीम करके खाना क्या क्या खाना बनता है स्टीम करके इडली मोमो है ना ढोकला वगैरह तो वो कैसे होती है देखिए फूड इज़ कुक्ड विद द हेल्प ऑफ स्टीम फॉर्म बाई बॉयलिंग वाटर बॉयलिंग वाटर से जो स्टीम निकल रही है उसमें खाने को पकाना तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं डबल बॉयलर यूज़ करते हैं जैसे एक पान एक बर्तन में पानी बॉयल हो रहा है उसके ऊपर हम दूसरा रख देते हैं ठीक है दूसरा रखा और उस पर जो भी खाना हम रखते हैं उसमें उसकी स्टीम पहुँचती है गर्म पानी से उसकी स्टीम पहुँचती है और फिर वो खाना पक जाता है ठीक है कई बार क्या करते हैं हम इट कैन बी डन इन अ पैन अब प्रेशर कुकर और स्पेशल स्टीमर्स स्टीमर अलग से भी आते हैं आपने देखा होगा इडली के लिए ढोकला के लिए स्टीमर्स अलग से भी आते हैं मोमोज आप जो बाजार से खाते हैं तो वो मोमोज वो स्टीमर ही है जिसमें वो मोमोज रखे होते हैं ना बना रहे होते हैं वो स्टीमर ही है पर हम घर में जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती तो क्या करते हैं एक पैन कुकर या पतीला कुछ भी ले लिया उसके ऊपर छलनी सी रख दी उसके अंदर आपने अपना फूड रखा एंड उस पर लेड लगा दिया तो वो जो बॉयलिंग वाटर से स्टीम आ रही है वो छलनी के थ्रू उस खाने को स्टीम कर देती है राइट right? और इस तरह आप क्या क्या बना सकते हैं इडलीज़ ठोकलाज मोमोज एक्सेट्रा कुकड बाय स्टीमिंग ओके तो आज इतना ही करेंगे हम नाउ योर होमवर्क प्लीज रीडन लेसन थ्री पेज नंबर सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन थॉरोली बहुत ध्यान से इन तीनों पेजेस को पढ़िएगा और जो चीज़ नहीं समझ आई मैसेज में आई विल आंसर इट ओके जो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल दिन टेक केयर हैव अ नाइस डे